नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता और मुझे एक कमेंट आया कि दुर्गन मन धाम का एक वीडियो बनाओ, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बनाने चल रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले नराती की आपको बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ और आपका गौरीगंज में बहुत बहुत स्वागत करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सैठा रोड और इसके माध्यम से हम जाने वाले हैं दुर्गन मन धाम। तो चलिए चलते हैं। तो सैठा रोड के इस्तेमाल से हम आ गए हैं मणिपुर और ये हमारे गौरीगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं ये हमारा सैठा रोड है और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मणिपुर का द्वार कहलाता है। तो ये जो मणिपुर है इसमें आने के बाद आपको एक मोड़ मिलेगा, आपको इस मोड़ से मुड़कर इस रास्ते में प्रवेश करना है। अब इस रास्ते में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपको 2 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि आप ये यात्रा कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे दुर्गन। तो मैं दुर्गन पहुंचने वाला हूं, मैं अभी बीच में हूं। तो दोस्तों मैं यात्रा कंप्लीट करके दुर्गन आ चुका हूं। अभी मैं जल्दी धाम पहुंचूंगा और आपको वहां का नज़ारा दिखाऊंगा। मैं आ चुका हूं और यहां पर मैं अपना जो वाहन है उसे स्टैंड पर जमा कर दिया हूं। यहां पर एक टेंपल है जिसे हनुमान टेंपल के नाम से जानते हैं और यह हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और इसी टेंपल के जस्ट बगल एक और टेंपल है जिसे हम परशुराम टेंपल के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसके सामने से एक रास्ता है और हम इसी रास्ते के माध्यम से जाने वाले हैं कुंड। रास्ते में आपको जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है अभी इस समय, यहाँ पर झूला आता है और हर साल यहाँ पर ढेर सारे झूले लगाए जाते हैं जो कि हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। तो मैं कुंड जाऊँगा और वहाँ पर हाथ पैर धुलकर पूजा पाठ की सामग्री लूँगा और पूजा करने के लिए चलूँगा। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा और गौरीगंज आइएगा तो यहाँ पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं। उससे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं समुदाय शौचालय है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जो कि यहाँ पर मेले में बनवा दिया गया है। तो ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं इसी से पूजा पाठ की सामग्री आप खरीद सकते हैं। तो मैंने ये ले ली है और उसके बाद मैं हाथ पैर भी धुल चुका हूँ। ये जो कुंड की बात की थी वो यही कुंड है और यहाँ पर लोग हाथ पैर धुलते हैं, नहाते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद मैं चल रहा हूँ पूजा करने। तो ये है उसका मेन डोर और मैं इसे सेंटर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं एंटर कर चुका हूं और मैं भी मंदिर के पास जल्दी पहुंचूंगा। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो के लिए कमेंट किया था तो मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मैंने अपना जो उद्देश्य है उसे पूरा कर दिया है। अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दिलवाएँ। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह के और वीडियो भविष्य में बनाते रहेंगे। तो मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ और मैं मंदिर में प्रवेश करने वाला हूँ। तो कोरोना सीजन था इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आए थे और इस मेंटेनेंस को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग अगर यह सोच रहे हैं कि मुझे इस समय नहीं जाना चाहिए तो आप गलत हैं, आप जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इस समय नहीं रहती है। और दूसरी अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर काफ़ी बदलाव हुए थे और मैं यह बदलाव दिखाने का भी आपको प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी आपको जो हॉल टाइप का दिखा उस हॉल में प्रोग्राम करवाए जाते हैं और उसके बाद ये जो अभी आपने जाली देखी, इस जाली की मदद से जो रास्ता है उस रास्ते की मदद से हम इस द्वार पर आ गए और इस द्वार में हम एंटर करने के बाद करेंगे दुर्गन मणि धाम का दर्शन। तो यही हमारी दुर्गा माता जी जो कि ये रही। तो यहाँ पर एक पुजारी जी होते हैं और वो आपके प्रसाद को
उनके पैर से लगाकर आपको दे देते हैं और उनके नाम से वो चढ़ जाता है। तो यही है मंदिर और इसके चारों ओर मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहीं पास में ही एक इलेक्ट्रॉनिक बेल लगाई गई है जो कि अभी जल्दी लगवाई गई है और वह काफ़ी अच्छी रिंगटोन बजाती है। और मैं यहाँ पर अभी आकर ये जो ऊपर का नज़ारा है आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और यहीं पर जो किनारे किनारे जाली है, जाली पर लोग चुनरी बांध देते हैं और उसके बाद अगरबत्ती धूप जलाते हैं और कपूर जलाकर पूजा करते हैं। यहीं पर एक राम मंदिर भी लगवा दिया गया है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और यह जल्दी ही लगवाया गया है। जियो, ये रहा। तो जय श्री राम। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो। ये यहाँ की दान पेटिका, इसमें दान करते हैं लोग। तो यहीं पास में एक तालाब भी है जिसमें काफ़ी मछलियाँ हैं। ये है शीतला माता का स्थान। यहाँ पर लोग नारियल फोड़ते हैं और उनको जो नारियल का जल होता है उन पर चढ़ाते हैं। पास में ही एक मोटा और घना नीम का पेड़ है जो कि शीतला माता का स्थान माना जाता है। ये यहाँ का पुराना दौर जिससे लोग पहले नीचे जाया करते थे, लेकिन अभी एक नया भी बन गया है तो हम लोग नए वाले से नीचे जाएंगे। तो यहीं पास में बहुत सारे बाबा लोग बैठे हैं जो कि आपको तिलक लगाएंगे और आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। तो ये हमारा नया दौर जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम इस डोर के इस्तेमाल से नीचे आ चुके हैं और जो दरवाज़ा है मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा, वो ये रहा और वह काफ़ी अच्छा है पुराने वाले से। तो इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। एक बदलाव इसमें यह भी हुआ है जो अभी मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया, यह भी इसमें एक नया बदलाव ही था। तो मैं अभी फिर से कुंड के पास आया हूँ और मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पर बैठने की सुविधा भी की गई है और इसके पास के रास्ते की मदद से हम जाने वाले हैं भैरव बाबा धाम। तो जो कुंड था वो ये रहा और उसका ये पूरा अपना नज़ारा देख लिया चारों तरफ से। तो ये पास में जो बच्चे आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये लाई, आटा की लोई और बिस्किट चुर्री जैसी चीज़ें रखे हुए हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो पास में तालाब देख रहे हैं, इस तालाब में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और लोग दान पुण्य करने के लिए उन्हें चारा देते हैं। तो लोग बच्चों के पास से चारा लेके यहाँ पर फेंकते हैं और मछलियाँ उन्हें खाती हैं। तो ये है हमारा भैरव बाबा धाम जो कि दुर्गन में है। तो जय भैरव बाबा। और मेरी भैरव बाबा से रिक्वेस्ट है कि आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कभी फ्री होते हैं तो आप यहाँ विजिट करने के लिए ज़रूर आएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। ये यहाँ की नई शिव मंदिर, मैं चारों तरफ से इसे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यह अभी नया मंदिर है और यह काफ़ी समय से बन रहा है और मेरी आशा है कि यह भविष्य में काफ़ी सुंदर होगा क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। उसमें अच्छे अच्छे कारीगरों ने अपना सहयोग देके बहुत अच्छी डिजाइन दी है इसको और अभी भी डिजाइनिंग हो रही है। तो बहुत सारे जो महावीर लोग हैं और महापुरुष हैं वो इसमें बहुत सारे दक्षिणा देते हैं और उसी की मदद से ये मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है इसका मुख्य द्वार। तो चलिए हम लोग मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। तो हम मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले हैं। यहीं पास में हमारे नंदी बाबा जी हैं। तो हम
पूरा दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और एक एक वीडियो शूट कर रहे थे। तो मैंने पूरा दर्शन आपको करवाने की कोशिश की है, और यदि इसमें कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, और अगले वीडियोस में मैं क्या बदलाव करूँ आप हमें एडवाइस दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, और अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने चल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ का मेला दिखा दे रहा हूँ, पूरा मेला नहीं दिखाऊँगा, आप जितना देख पा रहे हैं बस मैं उतना ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि कोरोना सीजन है इसलिए मैं ज़्यादा विजिट नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की अगर आपको अन्य वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।